हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ माधवी। मेरे चैनल द मेकिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आइए आज मैं आपको कुछ अलग रेसिपी बताती हूँ। मैं आज बच्चों के लिए एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है जिसको आप बना सकते हैं, उसको मैं आज आपको बताऊंगी और उसका नाम है उत्पम। उत्पम तो सब बनाते हैं लेकिन मोस्टली सभी लोग सूजी का उत्पम बनाते हैं, लेकिन मैं आज आपको ओटमील का हेल्दी उत्पम बनाकर दिखाऊंगी, जिसको आप बच्चों के टिफ़िन में भी बनाकर रख सकते हैं और उनको लंच में या शाम के स्नैक्स में भी बनाकर खिला सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हमें ओटमील के उत्पम में क्या क्या सामान की ज़रूरत होगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए ये 1 बाउल ओटमील लिया है। ओटमील मैंने ये कुकर का सिंपल वाला ओट लिया है। इसको मैंने ग्राइंड करके इसका बारीक चूरा बना लिया है और मैंने ये 1/2 कप सूजी ली है। ये मैंने 1/2 कप दही लिया है, इसको मैंने फेंट लिया है। और ये मैंने गाजर को ग्राइंड कर लिया है, ये टमाटो कट कर लिया है मैंने, ये ओनियन है, ये शिमला मिर्च है, इनको भी मैंने बहुत बारीक कट किया है। इसके बाद मैंने ये नमक लिया है, ये 1 टीस्पून नमक है, ये 1/2 टीस्पून काली मिर्च लिया है, ये 1 स्पून राई लिया है और ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है और कुछ पानी लिया है। आइए अब मैं बताती हूँ आपको कि मुझे इसको कैसे मिक्स करना है। इसके लिए मैंने ये बाउल ले लिया है। अब इस बाउल में मैं अपना ये ओट मिल का ये पाउडर जो मैंने बनाया था उसको मैं इसमें डाल लूँगी। इसके बाद मैं अपनी ये सूजी 1/2 कप सूजी इसमें डाल लूँगी। अगर आपके पास सूजी ना हो तो इसमें आप राइस फ्लोर भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें अपना ये 1/2 कप जो मैंने दही को फेंट लिया था इसको मैं डाल दूंगी। इसको डालने के बाद मैं अब इसमें बेकिंग सोडा डालूंगी। इसमें दही के ऊपर बेकिंग सोडा डालने से ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब ये हम दही में इसको बेकिंग सोडा को मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैं इसमें अपना नमक एंड काली मिर्च डाल दूंगी। अब इसको डालने के बाद मैं इसमें अपनी थोड़ी थोड़ी सब्जियां डालूंगी। ये मैंने 1/2 1/2 इसमें डालूंगी और 1/2 मैं ऊपर से इसमें डेकोरेट करूंगी। इसमें अब मैं 1/2 थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा शिमला मिर्च, थोड़ी सी कैरेट, थोड़े से टमाटर डालकर मिक्स कर दूँ। अब इसमें हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने पानी लिया है, इसमें धीरे धीरे, एकदम हम पानी नहीं डालेंगे, पतला हो जाएगा ये, इसलिए हम इसको धीरे धीरे मिक्स कर देंगे। इस तरह से अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी क्योंकि सूजी फूल जाती है। अब ये मैंने मेरा ये बैटर तैयार हो गया है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रख दूंगी। इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी कि मुझे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये अब हमारा थोड़ा गाढ़ा हो गया है क्योंकि सूजी फूल जाती है। इसमें अब हम इसको थोड़ा सा पतला कर देंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा मिक्स हो गया। इसके बाद अब हम इसको छौंक लगाएंगे। इसके लिए मैंने एक ये चमचा ले लिया है। अब मैं गैस को ऑन करूंगी। इसको गैस को ऑन करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल लूंगी। आप ये वैसे किसी भी ऑयल में कर सकते हैं लेकिन मस्टर्ड ऑयल में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसको ऑयल को गर्म होने देंगे।
अभी हमारा ऑयल गरम हो गया है, हम इसमें अपनी ये राई, ये सर मैंने ये राई ली है, एक इससे बड़ा आता है उसको मस्टर्ड सीड बोलते हैं, लेकिन ये मैंने स्मॉल वाली ली है, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैंने ये सारी इसमें डाल दी। अब हमें थोड़ा सा पीछे ही रहना है क्योंकि ये पीछे मारती है। मैं अपना ये डाल दूँगी। अब ये मेरा चॉप बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैं इसको इसमें मिक्स कर दूँगी। मैंने केवल थोड़ा सा घी लिया है और इसको सारे में स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। अब ये हमारा स्प्रेड हो गया है, इस पे अब हम इस तरह से 1 स्पून लेंगे और इसको इस पर फैला लेंगे। ये हमें थोड़ा सा मोटा ही रखना होता है चीले से, तो अब हम इसमें स्पून से इस तरह से इसको फैला लेंगे। इसको फैलाने के बाद हम इस पर ऊपर से अपनी वेजिटेबल को लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा ही लगाना है क्योंकि ये हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। इसमें अगर आपके बच्चे हरी मिर्च खाते हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसमें मैं कैरेट डाल दूंगी। इसको टमाटर डाल दूंगी। अब इसको सब्जी को लगाने के बाद हम अपना इसको इस तरह से फ्लैट लेकर और इसको इस तरह से पुश कर देंगे, इससे ये इसमें अंदर ही मिक्स हो जाता है इस तरह से। ये इस तरह से करने के बाद हम गैस को स्लो कर देंगे। गैस को स्लो करने के बाद हमें इसको ढक देना है जिससे ये हमारा पक जाए। इसको इस तरह से ढक देंगे और हम इसको धीरे धीरे पकने देंगे। ये मोटा होता है इसलिए हमें इसको स्लो पर रख कर धीरे धीरे पकने देना होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये मुझे लगभग इसमें 10 मिनट लगते हैं, मुझे 5 मिनट हुए हैं अभी। अब मैं इसको पलट कर देखूंगी कि ये पीछे से किस कैसा बना है। अब ये एक्चुअली मैंने नॉन स्टिक पे बनाया है तो ये स्टिकी नहीं होता है। अब इसको हम इजीली पलट लेंगे। अब हमारा ये इधर से बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है, ब्राउन हो गया है। अब हम इसको पलट लेंगे और अब आप गैस को थोड़ा तेज भी कर सकते हैं। अब हम इसको 2-3-5 मिनट इसको इस तरह से दबा दबा कर पका लेंगे, फिर हमारा ये उत्पम रेडी हो जाएगा। मैं आपको इसको इधर से पलट के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये इधर से भी पूरी तरह सिक चुका है। अब मैं आपको इसको प्लेट में इसको करती हूँ। अब ये इधर से भी हम वेजिटेबल ऊपर से लगा देते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, और आप बच्चों को सॉस से, चटनी से, जिससे भी आपके बच्चों को पसंद हो उससे आप इसको खिला सकते हैं। और ये बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये ओट मील का उत्पम बिल्कुल रेडी है और ये सूजी की तरह ही लगता है देखने में। ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि ओट मील हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और मैं इसमें बहुत सारी वेजिटेबल भी डाली हैं और बच्चे इसमें वेजिटेबल को खूब आराम से खा लेते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक करें और मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।